हेलो गाइस, मैं हूं अमित। और भाई साहब, फिलहाल आपको टाइम बताऊं गाइस कितना हो रखा है। देखो, टाइम हो रखा है रात के 12:20 हो रखे हैं। और इस वक्त जो है, एक तो बहुत तेज आंधी चल रही है, बहुत तेज हवा भी चल रही है और बारिश भी फिलहाल आने लग गई है। लेकिन फिलहाल गाइस, जगे होने का सिर्फ एक ही रीजन है कि हम लोग एक वीडियो बना करके आए थे और मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से ये चीज हुई है। गाइस, फिलहाल मैं अपने इस खेत में घूम रहा था, हम लोग घूम रहे थे और हमको दिखा खेत में सांप, असली का सच्ची मुच्ची का सांप। तो हमने सोचा कि भाई साहब, इस सांप को किया जाए रेस्क्यू, क्योंकि अभी आपको बताते हैं कि ये सांप कहां से आया हो सकता है, क्या इसका रीज़न है। लेकिन फिलहाल गाइस, हमारे खुद के ऑफिस में, हमारे खुद के खेत के अंदर जो है सांप घुसा हुआ है। तो गाइस, आज उसी को बचाएंगे। ये जो काम है, ये बहुत ही खतरनाक है। और अगर आपको नॉलेज नहीं है स्नेक्स के बारे में, सांपों के बारे में, तो भाई ऐसा प्लीज कुछ भी ट्राई मत करना। फटाफट से शुरू करते हैं। गाइस, जो सांप है वो है फिलहाल यहाँ पर खेत में। और आप लोग देख सकते हो कि लगभग ये 4 फीट के आसपास लंबाई का सांप है। थोड़ा पास आके दिखा सकते हो। अब गाइस, हमारे पास में प्रॉपर टूल्स नहीं है, कोई नहीं, डरना नहीं है। ये गाइस एक चेकर्ड किलबैक स्नेक है। चेकर्ड किलबैक जो है वो नॉन वेनमस स्नेक होता है और मुझे अच्छे से पता है कि ये चेकर्ड किलबैक है। पास आके दिखा सकते हो, इतना दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जो सांप होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीले जानवर होते हैं, बहुत ज़्यादा शाय एनिमल्स होते हैं। लेकिन ये हमारे नेचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा कि एक सांप मेरे सामने है और ये, मुझे पता है इसका नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं है और इसको किसी भी हालत में हम जो है ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ पे। और गाइज, ये काम मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये जो स्नेक है, ये एक नॉन वेनमस स्नेक है। देखो ये कितना ऊँचा, खुद का जो फन है उसको उठाता है। और फिलहाल ये बहुत ही अलर्ट स्टेज के अंदर है, तो हमारी कोशिश रहेगी इसको इस डब्बे में डालने की। गाइज, मैं इसको उठाने वाला हूँ अभी। पूंछ से उठा लिया मैंने इसको, ये काटने के लिए जो है ऊपर आता है, मुझे पता है। और ये घूम करके खुद को अभी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैं इसको नहीं करने देना चाहता हूँ। ओह शिट, अब ये भागने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसे नहीं आएगा, ये कभी भी नहीं आएगा। अरे ऐसे डब्बे में नहीं आएगा, वो कभी भी नहीं घुसेगा। मैंने इसको हवा में उठा लिया था, लेकिन ये मुझसे डर रहा है क्योंकि इसको यहाँ पर जो है खतरा महसूस हो रहा है। गाइस, हाँ, मुँह के ऊपर इसको, डब्बे को बंद कर, पीछे से नहीं दिखता सांप को, ठीक है? और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मुँह दबा लेना, दबा ले, बस बहुत बढ़िया। अरे यार, निकल गया। उधर से रोकना भाई, रोकना इसको, रोकना। डाल दे, ठीक है। आ रहा है। बस बहुत बढ़िया। और ये निकलने की कोशिश कर रहा है गाइस, इसमें से ये निकलने की कोशिश कर रहा है। रुक जा, हट जा। हाँ, इसको घुमा के डालना है, ये निकल रहा है, डालना है उसको, अंदर डालना है। अरे लाइट दिखाओ, इधर आओ, पास आओ, ये वापस निकल रहा है। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो गाइस, ये मुँह खोल रहा है काटने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो। अब गाइस देखो, हम लोग एक्सपर्ट तो हैं नहीं, लेकिन नॉन वेनमस स्नेक को मैंने पहले बचाया हुआ है, सिर्फ इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और इसको थोड़ा बहुत तकलीफ तो हो सकती है, लेकिन इसकी जान बचेगी यार, वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। आ गया, ओके। तो गाइस, यहाँ पर जो सांप है वो फिलहाल इस बॉक्स के अंदर बड़ी मुश्किल से बंद हो चुका है और बहुत तेज स्मेल जो है वो भी ये छोड़ रहा है। ये है गाइस एक चेकर्ड किलबैक स्नेक, जो कि ग्रीन कलर का होता है। इसके ऊपर भी जो एक डिस्टिंक्ट पैटर्न होता है, जो कि इसी सांप के अंदर होता है। और इस बॉक्स को मैं बहुत अच्छे से बंद कर देता हूँ। फिलहाल इसके अंदर इतनी ही ऑक्सीजन होगी जिसमें ये थोड़ी बहुत देर सांस ले पाए, यानी कि कुछ मिनट या फिर घंटे के लिए। तो हमको इसके अंदर होल्स भी बनाने होंगे ताकि ये जो है इसके अंदर सांस ले सके। अभी रात के जो है गाइस 12:30 हैं, तो हम इसको रिलीज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है इसको सुबह रिलीज़ करेंगे। एक्चुअली में गाइज, हुआ कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने एक गाड़ी जो है उसको जोहड़ के अंदर डाला हुआ था 3 महीने के लिए, और हम उसको निकाल के लेके आए थे। और वहाँ पर गाइज, ये देखो मूवमेंट कर रहा है। और जब हम उस गाड़ी को लाए तो उसमें कई सारे सांप भी थे। हमने कोशिश करके बहुत सारों को भगा दिया था वहाँ से, ताकि वो हमारे साथ हमारे घर ना पहुँच जाएँ। हमको लगा पूरी गाड़ी खाली है। गाइज, मैं आपको ये बता रहा था कि हमने पहले रेस्क्यू किया हुआ है, तो इस वजह से मुझे इतनी नॉलेज है
कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा नहीं है और किस तरीके से पकड़ना है, थोड़ा बहुत मुझे अंदाज़ा है। अगर ये वेनमस होता तो भाई मैं तो बिल्कुल इसको हैंडल नहीं करता, मैं किसी एक्सपर्ट के लिए इसको छोड़ देता। इसको हमने पकड़ लिया और यहाँ पर मेरे पास में ये एक बड़ी सुई है जिसको सुइया बोलते हैं या सूजा भी बोलते हैं। तो इससे जो है इस डब्बे के अंदर मैं होल बना रहा हूँ ताकि ये जो सांप है इसको सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन गैस है वो मिल सके। अगर सांप को हम यहाँ बंद ना करके और इसको नहीं छोड़ेंगे ना तो ये इसके रहने के लिए सही एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी के साथ में यहाँ आ गया है। ये पानी में रहने वाला सांप है या पानी के आसपास रहने वाला सांप है, ये देखो गाइस। लेकिन अभी हमारा काम मुझे लगता है फिनिश नहीं हुआ, एक बार पूरे एरिया के अंदर इस पूरे खेत में ढूंढना पड़ेगा कि और सांप तो कहीं नहीं है। इसको तो रख देते हैं और दूसरे सांप और ढूंढते हैं, हो सकता है कि और भी स्नैक्स हो यहाँ पे, इसको रख देते हैं। चलो ओए 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 ओए, एक सांप और है, मेरे को दिख गया इसमें। ये रहा, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है गाइस। एक जो सांप है एक यहाँ पर है, और भाई यार इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो है फिलहाल गाड़ी के अंदर है यार, अंदर से कैसे पकड़ेंगे यार इसको। पता है इस गाड़ी को भाई मैं खुद ही चला के लाया था, तो आप सोच सकते हो कि मेरे साथ में सांप भी आए हैं यहाँ पे। गाइस बाहर जो है बहुत तेज बरसात आ गई, देखो सब कुछ गीला हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर पास ही में बस खड़ी थी हमारी, तो बस के अंदर घुस गए हैं हम लोग। लगभग 15-20 मिनट ढूंढ चुके हैं यहाँ पर खेतों में। ये जो सांप है ना, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को बचाने के लिए बहुत गंदी स्मेल छोड़ते हैं ये सांप छोड़ता है, और साथ ही साथ में जो धामन होता है ना, धामन सांप, वो भी छोड़ता है, जिसको घोड़ा पछाड़ बोलते हैं, उसकी स्मेल भी बहुत गंदी होती है। और इसके अंदर से भी जो स्मेल आ रही थी, ये रहा, इसकी पूंछ है, ये रही पूंछ, ये रही। अब इस कोने में आ गया, पूरा इस कॉर्नर में है, पूरा इसमें है अभी। आराम से इजी बाहर खींचना पड़ेगा, धीरे धीरे करके बाहर खींचना पड़ेगा, हिला के। रुको, हाँ पकड़ के रखियो। और वापस भी आ सकता है ना, ध्यान रखना, मुँह नहीं होना चाहिए इसका। यहाँ पर है सांप, हाँ आएगा, पूरा खींचो ना, बस ज़्यादा भी मत खींचना, नहीं तो पूंछ टूट सकती है उससे। यहाँ पर है, ये रहा। अरे वो बड़ा सांप है। डरना मत बिल्कुल भी, ठीक है, डरना मत। थोड़ा आगे से पकड़, तो पूछ को थोड़ा आगे से पकड़, हाँ बस निकाल ले, आन दे बाहर, आ जा, ले आ, थोड़ा आगे से पकड़ियो, आगे से झटके मारेगा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये डब्बा है, डब्बे में डाल सकता तो डाल दे, नहीं तो पिछली बार की तरह करेंगे। आराम से, इजी, बहुत बढ़िया, बहुत, ढक्कन, जल्दी फास्ट छोड़ दे, बढ़िया। तो गाइस जो दूसरा सांप था वो भी फिलहाल हम लोग पकड़ चुके हैं, वेल डन। तो भाई साहब बड़ी मेहनत के बाद में इसके अंदर छुपा हुआ था ये, पता है उधर था, हमने देखा और उसके बाद में तुरंत से जा कर के जो है गाड़ी के अंदर घुस गया। गाइस यहाँ पर 2 चेकर्ड किलबैक हम लोगों ने पकड़ लिए हैं, मतलब कुल मिलाकर के रेस्क्यू कर लिए हैं। कल सुबह इनको छोड़ना भी है, अभी पूरा काम नहीं हुआ है, डब्बा अच्छे से पैक होना चाहिए, ठीक है। चलो अब घर चलते हैं, सोते हैं, और सांप नहीं है, 2 थे यहाँ पे, हमने इतना ढूंढ लिया। और फिलहाल मैं आपको टाइमिंग भी एक बार गाइस दिखा देता हूँ, और भाई साहब जो टाइम है वो भी फिलहाल पूरा 2 बज चुका है, आप लोग देख सकते हो, रिलीज करेंगे कल। The next morning. Good morning guys. सुबह हो चुकी है और हमारे जो दोनों स्नेक्स हैं जो कि हमने रात को रेस्क्यू किए थे वो एकदम बढ़िया से टहलने लग गए हैं इन डब्बों के अंदर। दोनों जो है एकदम परफेक्ट हैं, एकदम हेल्दी हैं, क्योंकि हमने जो होल्स निकाल दिए थे डब्बों में ताकि ये सांस ले सके अंदर, और आप लोग देख सकते हैं दोनों जो है मूवमेंट कर रहे हैं। और गाइस फिलहाल जो है हम काफ़ी लेट ही सोए थे तो लेट ही उठे हैं, तो अब चलते हैं इनको रेस्क्यू करने। गाइस ये चेकर्ड किलबैक स्नेक है, हमने आपको रात को ही बताया था, जो कि नॉन वेनमस होता है। इसमें देखो, इसके अंदर जो वेनम है, जो जहर है, वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसके काटने से भी कई बीमारियां हो सकती है, टिटनेस वगैरह हो सकता है, तो इससे भी ध्यान ही रखना चाहिए। और कई बार आदमी डर के मारे जो है हार्ट अटैक वगैरह से मर जाता है इन सांप के काटने से भी, लेकिन हमको पता था एक्चुअली में। तो गाइस अब इनको ज़्यादा परेशान नहीं करते, लेके चलते हैं और रिलीज़ करते हैं इनके नेचुरल जोहड़ के पास में।
और एक बात है यार, यहाँ आते ही ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं दोनों। अब आई डोंट नो, ये धूप की वजह से, देखो ये देखो कितना ऊपर मुंह करके खड़ा हुआ है गाइस। गाइस हमने इनको वहाँ से पकड़ा था जहाँ पर गाड़ी थी, इसी जोहड़ में, और इनको जो है पानी के अंदर ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो है पता है मैं इनको घास के ऊपर छोड़ना चाह रहा हूँ गाइस, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अगर हम इसको मिट्टी पर छोड़ेंगे तो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो करते हैं रिलीज़ इनको। अरे गाइस यार ये जो है बहुत ज़्यादा जो है वो हो रहा है, ये देखो 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 मुंह खोल रहा है इसमें, और ये गया गाइस चेकर्ड किल बैक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है भाई साहब सांप जिसको हमने किया था रेस्क्यू, और ये फिर से घूम रहा है ताकि ये अपने आप को रिलीज़ करवा पाए यहाँ पर, और मैंने इसको छोड़ दिया है। तेरी जान दो नहीं, हिलमत बस बहुत अच्छे गया। वाओ गाइस एक सांप चला गया है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, दूसरा है यहाँ पर, हाँ गया गायब। ये गया दूसरा सांप, और ये भी जा रहा है गाइस अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो भाई साहब यहाँ पर जो है वो रहा देखो गया पानी में गया, ओ स्पीड देखो पानी में, ओ भाई साहब, अरे मेंढक के पीछे भाग रहा है, हैं जाते ही मेंढक के पीछे भाग रहा है भाई। तो गाइस यहाँ पर दो सांप जो कि हमारी गाड़ी में गलती से चले गए थे, यहाँ से उनको हमने छोड़ दिया है। अब गाइस देखो सांपों को पकड़ना और रेस्क्यू करना एक बहुत ही रिस्की काम है, इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा ट्राई मत करना। ये सांप नॉन वेनमस थे और मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग भी थी कि नॉन वेनमस को कैसे पकड़ना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, जानवरों को बचाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको नहीं आता तो बिल्कुल टच मत कीजिए, बिल्कुल सांप को हाथ मत लगाइए, किसी स्नेक एक्सपर्ट को बुलाइए और उसकी मदद से जो है स्नेक को रेस्क्यू करवाइए, खुद कभी भी इस चीज़ को हैंडल मत करना। पता गाइस ये जो स्नेक्स वगैरह होते हैं, जो जानवर होते हैं ना, हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट होता है वो इन सभी की वजह से बैलेंस होता है, जो फूड चेन होती है वो ये बना करके रखते हैं, अगर उसमें एक भी कड़ी गायब होती है तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है ना वो ख़राब होता है। तो इसीलिए हर जानवर का, हर जीव का जिंदा रहना ज़रूरी है। और गाइज एक बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस ये भी है कि हम ये काम कर रहे हैं नेचर के लिए, हमारी जो धरती माँ है, हमारी जो पृथ्वी अर्थ है, उसका जो एनवायरनमेंट है वो बैलेंस रहे, उसके लिए मैं हमेशा जो है गाइज तैयार रहता हूँ। और आज कोइंसिडेंस से वर्ल्ड अर्थ डे भी है, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस भी है। इस दिन सब लोगों को जो है ये संकल्प लेना चाहिए कि हम धरती के लिए उसको सोच करके काम करेंगे, ऐसा कुछ गलत काम नहीं करेंगे, जीव जंतुओं को बचाएंगे, धरती को बचा करके रखेंगे। और आज ही गाइस जो रेस्क्यू है वो भी फिनिश हुआ, यार कितना मस्त वाला दिन है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, रेस्क्यू सक्सेसफुल हो चुका है, हमने अपने खुद से पकड़ करके सांपों को उनके एकदम नेचुरल जोहड़ में रिलीज़ कर दिया। तो वीडियो के लिए लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। कोई प्लान वीडियो नहीं था गाइस, अब घर जाके नहाए धोएंगे आराम से, अब जो है मैं एकदम संतुष्ट हो गया हूँ कि हाँ अब ठीक है, सब ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।